दोस्तों, हर किसी के दिमाग में एक सवाल है कि सरहद पार से आई सचिन मीना की महबूबा सीमा हैदर को यहाँ रहने का हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसको वापस भेज दिया जाएगा। क्या वो सच्ची प्रेमिका है या फिर वो आईएसआई की जासूस है? ये कुछ सवाल है जिसके ऊपर माथापच्ची जारी है। हर कोई अपना दिमाग लगा रहा है, हर कोई अपना तर्क दे रहा है, और सीमा है कि वो पिछले 5 दिनों से मीडिया से बिल्कुल नहीं मिल रही, दरवाजे बंद है, घर से भी दूसरी जगह शिफ्ट है। इसी बात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले अपनी ढपड़ी अपना राग कर रहे हैं, इधर भारत में भी तमाम लोग कुछ उसको सच्ची प्रेमिका बता रहे हैं तो कुछ उसको आईएसआई पाकिस्तान का एक एजेंडा बता रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो अब सामने आई है, जो जांच चल रही है, सेंट्रल एजेंसीज ने भी पूछताछ की, जैसे मैंने आपको पहले अपडेट दिया था, रात के 12 बजे के बाद एजेंसी की टीम ने उनको पूछताछ की। यूपी पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है चीज़ों को लेकर। जो अब इसमें जो अपडेट है वो ये कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। दरअसल इसके कई वजह है, एक तो यही वजह है कि अब तक की जाँच में सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि वो स्पाई है, यानी जासूस है, पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया कोई जासूस है। एक तो ये पॉजिटिव रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में रियली में उसकी जान को खतरा है, ये बात सीमा भी कह रही है, उधर से धमकी भी आ रही है। और जो संडे के दिन वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, वो अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट है कि कितनी घृणा और कितनी हिंसा इस वक्त वहाँ पर सीमा को लेकर है। अगर वो वहाँ पर जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी जान को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार बहुत मैच्योर निर्णय लेती है, सोच समझ के निर्णय लेती है, तो फिलहाल सीमा को वहीं नहीं भेजा जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं उसकी नागरिकता की या भारत में रहने की बात की। तो जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि सचिन के साथ उसने शादी कर ली है, ये वो कह रही है। तो ऐसे हालात पर अगर सचिन यानी उसका पति अगर लॉन्ग टर्म वीजा का अप्लाई करता है सरकार में, तो उसको लंबी अवधि का वीजा मिल सकता है, यानी लंबे समय तक वो उस वीजा के जरिए यहाँ पर रह सकती है। और बाद में ये भी है कि अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, पत्नी है या पति है, तो उसको फिर उसको नागरिकता मिल भी जाती है। लेकिन फिलहाल जो पता चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा उसको मिल सकता है। जैसे कि पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था आपके लिए कि एक लड़का आया था जो पाकिस्तान का रहने वाला है, लंबे समय से लॉन्ग टर्म वीजा पर यहाँ पर रह रहा है, सिंधी कम्युनिटी का। वो इसी तरह से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर आते हैं, बाद में उनको नागरिकता भी मिल जाती है। तो इसी के थ्रू सीमा को भी नागरिकता मिल जाएगी। फिलहाल सचिन अप्लाई करेगा और उसके बाद जो है उसको नागरिकता मिल जाएगी। और सीमा की जान को खतरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी है, और ये बात भारतीय एजेंसी यूपी पुलिस वो समझ रही है, और इसलिए सीमा भी इस बात को समझ रही है, और उसने भी लोगों से मिलना बंद कर दिया, कम कर दिया। दरअसल आपने देखा होगा कि प्रयागराज में किस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई असरफ को कुछ सिरफिरों ने निशाना बना दिया था, किस लिए? ताकि वो फेमस हो जाए। ऐसे मौके पर यहाँ पर भी हो सकता है, ये पुलिस भी समझ रही है कि ऐसे अवसर पर कोई सिर्फ अगर सीमा को निशाना बना दे, क्योंकि वो मुस्लिम से हिंदू बनी है, और आप देख सकते हैं कि धर्म की जो अफीम है वो कितने लोगों के दिमाग पर चढ़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, और इसीलिए सुरक्षा को लेकर शादी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में भी जो है पुलिस वहाँ पर है। हालांकि सचिन ने या सीमा ने अभी तक पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगी है, लेकिन उसके बाद भी उसको सुरक्षा दी गई है ताकि वो सेफ रहे। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है भाई, पत्रकारों के भेष में, मिलने वालों के भेष में या किसी और भेष में वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर सकते हैं। ये एक रियलिस्टिक संशय था, डर था, इसलिए उसे पुलिस इस बात को लेकर भी चौंकनी थी। तो दोस्तों, ये था अपडेट जो मैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है। अब तक उसके खिलाफ कोई बड़ा एविडेंस नहीं मिला जो साबित करता है कि वो जासूस है, और उसकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जो है सुरक्षा बढ़ा रही है, और उसने भी मिलना जुलना कम कर दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वीज़ा मिलना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म उसको यहाँ रहना चाहिए? तमाम लोग, चाहे आप हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी, आप बिना घृणा मन में रखे हुए कमेंट करें, मैं पढ़ूंगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, और इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग जानना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।